आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। 28 जून को भोरे थाना क्षेत्र के खजुराहा में हुए गोलीकांड के मामले को लेकर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने नूनिया छापर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही लखनऊ में इलाज करा रहे पीड़ित से वीडियो कॉल पर बात की और उनका हाल जाना। बता दें कि 28 जून को भोरे में हुए गोलीकांड में घायल अरविंद कुमार सिंह से मिलने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोरे थाना क्षेत्र के नूनिया छापर गांव में पहुंचे, जहां वे घायल अरविंद कुमार सिंह के पिता तुलसी सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान घायल का हालचाल जाना। बाद में उन्होंने लखनऊ में इलाज करा रही अरविंद कुमार सिंह से वीडियो कॉल पर बात की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली। इसके बाद गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात से बात की और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिया। मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई, साथ ही गोपालगंज के एसपी को कई निर्देश दिए गया। कांड का सही अनुसंधान कर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हो। इस मौके पर जदयू और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ भोरे के उप प्रमुख दीपू मिश्रा, कुंज बिहारी मिश्रा, वीरेंद्र चौरसिया, पैक्स अध्यक्ष विजय बिहारी, संतोष कुशवाहा, राजेंद्र सिंह, मुखिया प्रतिनिधि मंटू कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जिले के अलग अलग थानों पर भी शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के लोगों को शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए निवेदन किया गया और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां पुलिस की तैनाती को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी गाइडलाइन को भी सभी स्थानों पर आयोजित शांति समिति की बैठक में लोगों को बताया गया और आम जनता से पारंपरिक तरीके से त्यौहार मनाने का निवेदन करते हुए प्रतिबंध हथियारों के प्रदर्शन पर रोक की बात बताई गई। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत परिवार कल्याण मेला का भी आयोजन किया गया। मेला में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्थायी एवं अस्थायी उपायों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेला में इच्छुक दंपतियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की खुशबू कुमारी द्वारा बताया गया कि इसके लिए एक परामर्श सह पंजीयन केंद्र की भी स्थापना की गई, जिसमें परामर्शी के रूप में विवेक कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई। वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ के संजय सिंह, आशा फैसिलिटेटर एवं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुहर्रम को लेकर जिला समाहरणालय में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सहित तमाम पदाधिकारीगण और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जिले के सभी जगहों पर मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। सदस्यों ने प्रशासन का ध्यान संवेदनशील इलाकों की तरफ भी आकृष्ट कराया, जहां दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती का निर्णय लिया गया और विचार विमर्श के बाद इस त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए गाइडलाइन जारी की गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि बिना लाइसेंस के कहीं भी जुलूस का आयोजन नहीं करना है। जिले के किसी भी क्षेत्र में जुलूस का आयोजन या संचालन करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के प्रदर्शन या तजिया जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान कोई भी हथियार लेकर चलना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जारी किए गए रूट चार्ट के अनुसार तजिया जुलूस निकलना है। दूसरे रूट चार्ट पर जुलूस लेकर जाने वाले लोगों को चिन्हित पर उन पर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से तीसरी आंख यानी कि कैमरे के द्वारा भी उपद्रवी पर नजर रखी जाएगी। डीएम और एसपी ने गोपालगंज वीडियो को मुहर्रम की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की और सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट अथवा भड़काऊ पोस्ट करने या शेयर करने पर भी प्रतिबंध है। ऐसा करने वालों को पुलिस की सोशल मीडिया टीम गिरफ्तार करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। साइबर पुलिस की टीम लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुई है। इस बैठक में डीडीसी अभिषेक रंजन, सदर एसडीएम डॉ. प्रदीप कुमार, सदर एसडीपीओ प्रांजल हथुआ, एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, डीपीआरओ मनकेश्वर कुमार एवं अन्य अधिकारी और शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे।
बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने समान काम का समान वेतन व अन्य मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मियों ने राज्य कर्मी का दर्जा देने, समान काम के समान वेतन समेत स्वास्थ्य केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने व बकाया पैसे का भुगतान जल्द से जल्द करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में कार्य का बहिष्कार करते हुए कहा कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मौके पर ENM, GNM, रूपम कुमारी, प्रियंका, दीपा सुमन आदि मौजूद थी। बरौली प्रखंड क्षेत्र के रूपन छाप गांव में नव निर्मित हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। गाजेबाजे के साथ निकली कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर से निकली यात्रा मिर्जापुर होते हुए रूपन छाप नारायणी गंडक घाट पर पहुंची, जहां जल भरी किया गया। पुनः यात्रा नव निर्मित मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां जलाभिषेक के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ का शुभारम्भ किया गया। मुहर्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया है, जहां मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले के लगभग 350 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि असामाजिक तत्व के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। शांति समिति की बैठक में पूरे जिले से सदस्यों के द्वारा जिन क्षेत्रों को संवेदनशील बनाया गया है उन्हें चिन्हित कर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, और ये लोग पूरे त्योहार के दौरान 2 दिनों तक लगातार पुलिस के साथ वहां तैनात रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखेंगे। कहीं से भी कोई व्यक्ति गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो ऐसे लोगों पर पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टडवा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class kids up to 10. थावे थाना क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी को शादी के नियत से अगवा कर लिया गया है। ये घटना 28 जून की बताई जा रही है, जिसको लेकर किशोरी के पिता ने गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। उन्होंने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मेरी बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी, उसके बाद से घर वापस नहीं आई। अलग अलग थाना की पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए जहां 140 लीटर शराब भी जब्त किया है, वहीं 5 तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है और उनके वाहन को भी जब्त किए गए हैं।
माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के सरिया अख्तियार गांव के सीताराम माझी के पुत्र विकास माझी छ बटुआ पंचायत के वार्ड नंबर 7 के सफाई कर्मचारी की मौत संदेहास्पद स्थिति में होने की खबर प्रकाश में आया है। जानकार सूत्रों के अनुसार बुधवार की रात धर्मपरसा बाजार में 25 वर्ष से विकास माझी गया था, बाजार से लौटते ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना माझागढ़ पुलिस को दिए बिना परिजनों के द्वारा गुरुवार को आनंद फानंद में दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर पता कर सकती थी कि मौत किस वजह से हुई है। घटना के संबंध में माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी की मौत के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मिला है, अगर जानकारी मिली तो घटना जाँच की जाएगी, परंतु घटना की जानकारी न किसी जनप्रतिनिधि या स्थानीय चौकीदार के द्वारा दी गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।